पंजाबी फ्री थिंकर आप लेता हूँ। हाँ जी पंजाबी फ्री थिंकर आप ठीक है? हेलो हाँ जी हरे सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहिए? तो इसका मतलब मैंने थोड़ी सी बात अमृतपाल सिंह के बारे में करनी थी, कर सकता हूँ सर? जी जी करें सर। अच्छा सर, ये जो है ना, ये अमृतपाल है, इसको हम देखते हैं कि ये पंजाब में आया नहीं, असल में इसे लाया गया है सर। देखें, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था ना हमारे यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे, तो गोदी मीडिया जिसे हम बोलते हैं या जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, इसने पूरा जोर लगाया था कि पंजाबियों को खालिस्तानी बताना है। देखें, जब इतने सारे लोग होते हैं, हजारों की संख्या में लोग थे, तो उसमें से 1-2% ऐसे लोग होंगे जो खालिस्तान की सपोर्ट करते होंगे। तो इस मीडिया ने ना सर, उसमें से वो ट्रालियों में से या कहीं से वो तस्वीरें उठा उठा के भिंडरा वाले की या किसी की, उसको बहुत पॉपुलर किया कि देखिए ये तो खालिस्तानी है, खालिस्तानी। लेकिन चलो वो बात अलग है कि जो हमारे किसान लीडर थे, उन्होंने इन्हें नज़दीक नहीं आने दिया, खालिस्तानियों को दूर ही रखा अपने से, और चलो प्रोटेस्ट जीत भी गए, वो जो किसानी बिल थे वो सॉरी वापस भी करवा लिए। तो इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इसने थोड़ा सा ये दिमाग में रखा कि ये पंजाबी अगर एकजुट होकर ऐसे चलेंगे, तो इन्होंने देखो सभी स्टेट्स को लगभग अपने साथ मिला लिया था, तो सेंटर ने उसी वक्त ये स्कीमें गढ़ने शुरू कर दी थी कि इनको किसी तरह खालिस्तानी बताना है। तो जो शायद आपको मालूम होगा कि एक दीप सिद्धू था जो स्टार था ना, उसको पहले उतारा गया, वो आया तो उसने सर थोड़ी सी गर्म बातें की, किसानों ने उसको भी साइड में कर दिया, उसको नहीं नज़दीक आने दिया। बाद में जो 26 जनवरी पे एक घटना हुई थी, शायद आपको याद होगा कि लाल किले पे फ्लैग उतार कर अपना ये खालिस्तान का लगा दिया था इन्होंने, याद है सर आपको? अच्छा, तो सर इसमें ना जो किसान का प्रोग्राम था किसानों का, के किसी और साइड में जाने का था, लेकिन देखें सरकार ने क्या किया कि जहां पर किसानों को किसानों ने जाने की अनुमति ली थी, उनको वो रास्ते बंद कर दिए और लाल किले के रास्ते खोल दिए। और चलो जो जो किसान इस बारे में अवेयर थे, जिनको पता था कि ऐसा हो सकता है, वो नहीं गए उधर, लेकिन ये दीप सिद्धू अपनी टीम लेकर अपने बंदे लेकर वहां पहुंच गया। तो सर वहां देखे ना, इतनी ज्यादा फोर्स होती है, पुलिस भी होती है और भी कई सारी फोर्सें होती हैं, तो ऐसे कोई भी वहां चिड़ी भी पार नहीं मार सकती, लेकिन इनको खुला छोड़ दिया वहां, अपना जो भी करें इनको खुला छोड़ दिया, इन्होंने फ्लैग उतारा या जो भी किया इन्होंने कर लिया। उसके बाद क्या होता है सर कि जो दीप सिद्धू है वहां से निकल लेता है कहीं किसी तरह। सर सोचने की बात ये है, इतनी पुलिस हो, फोर्स हो, और ये निकल कैसे जाए? चलो रही बात, निकल गया किसी तरह। फिर ये क्या करता है, 2-2.5 महीने वहां से गायब रहता है, ठीक है, अलग अलग जगहों से ये अपना लाइव भी होता रहता है बीच बीच में, और दिखाता है कि मैं तो यहाँ हूँ या जहाँ हूँ। सर सोचने वाली बात ये है कि जो सेंटर की एजेंसियां हैं, जिनको पल पल की खबर होती है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, उसको नहीं पकड़ पाई। उसके बाद क्या हुआ, 2-2.5 महीने बाद ये कोर्ट में गया, वहां से बेल लेकर बाहर आ गया ना सर। तो चलो उसके बाद इसका एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ पता नहीं, इसके माँ उसे जो चाहने वाले वो तो बोलते हैं कि इसे कत्ल करवा दिया, चलो हम उस बात में नहीं जाते, उसका उसकी डेथ हो गई ना। उसके बाद सर क्या होता है, ये जो अमृतपाल सिंह है ये आता है दुबई से, तो ये आकर जो दीप सिद्धू ने बारिश पंजाब दे जो जथेबंदी बनाई थी, ये उसको उसका मुखी बना दिया जाता है। तो सर ये आकर आते करता है क्या कि खालिस्तान की डिमांड रखता है कि हम तो खालिस्तान बनाएंगे, ठीक है सर। तो हम सर बात जो सोचने वाली बात ये है कि जो खालिस्तान का मुद्दा है ना, ये बीजेपी को बहुत सूट करता है। पंजाब में मैं दावे से कहता कह सकता हूँ कि अगर सर्वे करवाया जाए तो मेरे हिसाब से कोई 90% लोग खालिस्तान के विरोध में निकलेंगे, नहीं पसंद करते इसे। तो ये जो मामला है ना खालिस्तान का, ये बीजेपी को बहुत सूट करता है। मैं सर मैं ये थोड़ी सी
ये कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ बात जा रही है, मैं नहीं इसको समझता कि मेरा मेरा जो लॉजिक है ना, जो फलसफा जो है वो ये है कि जितना बड़ा क्लेम होगा ना, जितना गैर मामूली क्लेम होगा उतना बड़ा सबूत चाहिए होगा उसके लिए। आप ये कह रहे हैं हाँ, पेपर पे अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा लगता है कि हाँ भाई खालिस्तानी का जो मुद्दा है इससे बीजेपी को बड़ी सपोर्ट होती है, एक्सट्रीमिज्म आती है, बीजेपी की वैल्यू का लोगों को ज्यादा लोग अंधभक्त बनते हैं बीजेपी की तरफ और इलेक्शन जीतते हैं, अगर ये ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम छलांग मार सकते कि वो खुद से इस तरह के लोगों को क्रिएट करते हैं। मैं ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी हो जाती है, इसलिए मैं इसको मान नहीं सकता। ऐसा चीज हो भी सकता है, ऐसा होता हो, लेकिन जब तक हमें इस तरह की बात का सबूत ना होगा तो फिर हम ये कर नहीं सकते। क्योंकि इस तरह मैं आपको इसका नुकसान बताता हूं क्या, इस तरह की थ्योरी बनाने का नुकसान ये होता है कि फिर आप कहीं से कोई भी नुक्ता आपको मिले ना तो आप जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में लोग कह देते हैं जी अमरीका की साजिश है, यहूदी की साजिश है और इंडिया की साजिश है, और उसके अंदर होता हुआ था कुछ भी नहीं है। पता चलता है आप खुद ही निकम्मे होते हैं, आपके खुद अंदर के लोग भी ऐसे होते हैं, जो अमृतपाल जो भी है जहां से भी आया, आप ऐसा क्यों नहीं समझते? ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं समझते कि अमृतपाल जो है उसको ISI ने लॉन्च किया हो? ये भी हो सकता है। अगर हमने नुक्ते जोड़ने हैं ना नुक्ते, तो फिर हम कहीं से भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए वी हैव टू गो विद द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि ये बंदा जो भी है ये काम कर रहा है और इस वक्त भागा हुआ है वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या होगा, तो ही वी हैव टू गो बाय दैट। अनलेस कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें पता चलता है कि हाँ भाई किसी बीजेपी के मिनिस्टर ने बैंक में पैसे जमा कराए थे इसके दुबई में, वो ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है एंड यू नो, फिर हमें पता चलेगा। जब तक ऐसा सबूत नहीं आता ना, तो इससे खतरा बड़ा, इसका नुकसान बहुत है। अगर ये सच भी है ना, आपका तुक्का अगर सच भी निकल आता, इसका नुकसान ज्यादा, क्योंकि हम फिर कोई भी कंस्पिरेसी थ्योरी बना सकते हैं। मैं सर आपकी बात को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन देखिए जो उसके पास है गाड़ी है ना, उसके पास जो लग्जरी गाड़ी है वो साफ तौर पे बीजेपी के नेता से कोई थर्ड या फोर्थ हैंड आई हुई है इसके पास। वो जो फर्स्ट हैंड है वो बीजेपी के किसी मंत्री की है गाड़ी वो। और नंबर दो, हम ये बात नहीं कर सकते कि ऐसे ISI से फंडिंग होगी या ये होगी। देखें जब ऐसी बातें ये जो होती हैं, ये पुलिस तो बहुत कुछ बनाती है जब उसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि ISI सपोर्ट कर रही होगी। ISI को अपने ढेड नंगा हुआ पे नहीं करना सर, इन्होंने सपोर्ट नहीं करनी। नहीं नहीं, लेकिन हो भी, कर भी सकती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी शरारतें करता है, तो हो सकता है इंडिया में भी कर रहा हो। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर रहा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कहने को कुछ भी किया जा सकता है। अब ये देखें, वो कह रहा है, कोई कह रहा है कि गाड़ी वाली बात फेक है, ये सारी अफवाहें फैलती हैं, लोग अफवाहें फैलाते हैं। मैं अगर आप समझते हैं ना कि लॉजिक को अगर आपको फॉलो करना चाहिए, तो मैं तो आपको ये लॉजिक बताऊंगा कि किसी भी चीज को तब तक बिलीव ना करें कि उसका अनडिनाइबल एविडेंस आ जाए, वरना उसका नुकसान ज्यादा। अगर हम नुक्ते जोड़ते हैं ना तो नुकसान ज्यादा होता है, और नुक्ते जोड़ने का नुकसान आपको पर्सनल लाइफ में भी होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो नुक्ते जोड़ जोड़ के कहानियां बनाते हैं अपने दिमाग में, उनकी फिर पर्सनल लाइफ में भी नुकसान होता, तो ऐसा मत कीजिएगा। चलो बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू आपने अपनी। चलो ठीक है सर, मैं देखिए नुक्ते जोड़ने की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें पंजाब में जो खालिस्तान का मुद्दा है ना, जे आग भड़का रहा है, जे आज भी भड़का रहा है, कल भी भड़काएगा, इससे नुकसान नहीं होगा, किसी का फायदा नहीं होगा, पंजाब का तो खासकर बिल्कुल नहीं होगा। पंजाब का तो जो नुकसान हो रहा है उससे भी ज्यादा होगा सर। नहीं लेकिन सर, हर जगह पे लोग नेशनलिस्ट लोग तो हर जगह पे होते हैं ना, एथनो नेशनलिस्ट होते हैं ना, आपको पता ही, खालिस्तान में बहुत सारे जो इंडिया से बाहर घूमते फिरते हैं वो खुल के खालिस्तान को बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो और वो है भी डायस्पोरा, वो वाला जो 80s में भागी थी वहां से, तो ऐसा सेंटिमेंट पाया जाता है। और वो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई कंस्पिरेसी है, वो सेंटिमेंट रियल भी है, वो पाया जाता, ऐसे हैं लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं। तो मैं तो कंस्पिरेसी थ्योरीज को नेचुरली मैं नहीं मानता। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। एक मिनट सर, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी को मैं भी नहीं मानता, लेकिन दिल को दुख होता है यार, कैसे कैसे लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी गंदी गंदी गालियां खाते हैं ना हम इन लोगों को समझाने के बाद भी, फिर भी हम नहीं बाज आते हैं, फिर भी समझाते हैं,
कि चलो एक दो ही समझ जाएंगे, इनके मुंह में सारे इतनी इतनी गंदी गालियां है ना, सॉरी जे खालिस्तानी तो कह रहे हैं हम सिख कहलाने के भी लायक नहीं है सर। आप यानी खालिस्तानी जो जो नॉन खालिस्तानी सिख है उनको वो कह रहे हैं कि सिख के कहलाने के काबिल भी नहीं है। नहीं सर, मैं इनको बोल रहा हूँ जो अपने आप को खालिस्तानी, सो कॉल्ड खालिस्तानी बने हुए हैं ना ये सर, मैं आपको बोल कर नहीं बता सकता कि इतनी गंदी गंदी गालियां माँ बहनों की, इनको बस कुछ नहीं कहना, ये बोल दो इनकी थ्योरी होती है ओ अमृतपाल को पुलिस ने पकड़ा है, हम बस यही कहेंगे कि नहीं नहीं यार कैसे कहते हैं, जबकि उसकी खुद वीडियो आ गई है कि नहीं मैं बाहर हूं मुझे पुलिस ने नहीं पकड़ा, ओ तेरी मां तेरी भाणू थले डे डे भारे लफ्ज सर लिख के ना असं फिर नहीं परवाह करी दी, कोई गल नहीं सानू पता कोई चक्कर नहीं, पर दुख हुंदा सर इन्हां गल्लां दा, चले चले ठीक हो जाएगा, उजाड़न ते तुरे एक तरह तो सर नहीं हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।